न विषय हिंदी, अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में पहला चैप्टर इस जल प्रलय में पढ़ा दिए हैं, उसका प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। और अंतिम चैप्टर है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले इस पाठ का सारांश समझाना आवश्यक है जो किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि हिंदी लेखन में कम रुचि रखने वाला लेखक किस तरह हिंदी में लिखने लगा। लेखक अपने स्वभाव के बारे में लिखता है कि वह बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। उसे किसी की कही गई कटु बात से गहराई तक ठेस पहुंचती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने लेखक को कुछ ऐसी बात कह दी जो उसे चुभ गई। वह इसे सह नहीं सका और जिस हालत में था वैसे ही दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ ली। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपये ही थे। उसने यह तय कर लिया था कि कुछ न कुछ हर हाल में करना है, चाहे पेंटिंग ही क्यों नहीं सीखना पड़े। लेखक ने दिल्ली आकर उकील आर्ट स्कूल का पता मालूम किया। संयोग कि वहाँ उसे प्रवेश मिल गया। लेखक ने करोल बाग में कमरा लिए और अपनी पेंटिंग की कक्षा में नियमित रूप से जाने लगा। लेखक को पेंटिंग करने का तथा कविताएं लिखने का शौक था। वह हर वस्तु को ध्यान से देखता और कविता के तत्व खोजता। दिल्ली में रहने का उसका खर्च उसके भाई द्वारा भेजे गए रुपये और कुछ साइन बोर्ड की पेंटिंग आदि से चल जाता था। इस बीच लेखक काफी दुखी रहने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी टीबी की बीमारी से, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वह दिल्ली में अकेला तथा उदास रहता था। इसी समय लेखक के साथ महाराष्ट्र के एक 35-40 वर्षीय पत्रकार महोदय आकर रहने लगे। वे इलाहाबाद से बहुत लगाव रखते थे। इन्हीं दिनों लेखक ने अपने अन्य मित्र तथा बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा से मुलाकात की जो एमए कर चुके थे। उस समय नरेंद्र शर्मा कांग्रेस की राजनीति करना चाहते थे या पत्रकारिता को करियर बनाना चाहते थे, ये स्पष्ट नहीं था। एक बार बच्चन जी स्टूडियो में आए, हरिवंश राय बच्चन। उस समय लेखक पेंटिंग क्लास से जा चुका था। बच्चन जी संक्षिप्त सा नोट छोड़ गए। लेखक ने बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता महसूस की। वह पत्रोत्तर देने में आलसी था। कौन? तो लेखक शमशेर बहादुर सिंह। उसने कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक सोनेट लिखकर बच्चन जी को भेज दिया। कुछ और समय बीता, लेखक अब दिल्ली से देहरादून आ गया और अपनी ससुराल की केमिस्ट वाली दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा। वह आड़ी तिरछी रेखाओं में लिखी दवाओं का नाम पढ़ने लगा। इसी बीच उसकी देहरादून में चलने वाली पेंटिंग क्लास बंद हो गई। लेखक का मन अब फिर से उदास रहने लगा। वह स्वयं को एकाकी महसूस करने लगा। गर्मियों के दिन थे। बच्चन जी अपनी छुट्टियां बिताने देहरादून आए थे और यहाँ ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे थे। ब्रजमोहन गुप्त लेखक के भाई के मित्र थे। ये ब्रजमोहन के साथ डिस्पेंसरी में आए, लेखक से मिले और एक दिन रुके भी। उसी साल देहरादून में तेज आंधी आई। बहुत बड़े बड़े पेड़, टीन की छतें आदि सड़कों पर गिरे। बच्चन जी भी इसी आंधी पानी में फंस गए थे और गिरते पेड़ के नीचे आने से बाल बाल बचे। लेखक को लगा कि इससे बड़ा तूफान तो उसकी जिंदगी में आ चुका था। बच्चन जी बात और वाणी के धनी थे। वे फौलादों की तरह मजबूत, मक्खन की तरह सौहृदय थे। उन्होंने लेखक को दुखी और निराश देखा तथा लेखक को अपने साथ इलाहाबाद ले आए। उनका मानना था कि लेखक यदि देहरादून में रहेगा तो मर जाएगा। तो ये सारांश अभी कुछ बाकी है।
जो अगली क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।